डोली भूमि गिरा दस्कंधर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई जब रावण गिरा। रावण जब आसमान से धरती पे गिरा, भगवान राम ने उसको तीर मारा जब नाभि के अंदर, कहते हैं डोली भूमि गिरा दस्कंधर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई। सब आसपास इकट्ठे हो गए, उनका भाई विभीषण, राम, लक्ष्मण, सब के सब। और उस जुदाई के अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, कुछ सीखा? हाँ, कुछ सीखा। देखो, सीख तो कहीं से भी सकते हैं। जिससे जिंदगी भर का बैर था उसके पास सीखने को भेजा जा रहा है। किसको? लक्ष्मण जी को, क्योंकि वहां से वो सीख मिल सकती है जो कहीं से नहीं मिलेगी। चार वेद पुराण का ज्ञाता, जहां से सीखने को मिले, सीखना चाहिए कि नहीं? तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास सीखने को भेजा, और ग्रंथ कहता है कि लक्ष्मण अहंकार के कारण सिर के पास रावण के खड़े हुए, अहंकार के कारण। राम ने बोला, नहीं नहीं, ये पैटर्न गलत है, पैर के पास सीखने के लिए चरणों पर जाना पड़ेगा। लक्ष्मण मुड़े, चरणों के पास आए, बोला, रावण कुछ सिखा दो, अंतिम कुछ सीख दे के जाओ। बड़ी मार्मिक घटना है। रावण ने लक्ष्मण को बोला, मैं क्या सिखाऊं तुझे? मेरा सवाल अगर तू जवाब दे दे तो मोक्ष प्राप्ति होगी। तो लक्ष्मण ने बोला, तुम क्या सीखना चाहते हो? बोला, मेरा एक सवाल है तुझसे। और रावण अपने पूरे जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया, ए वनवासी, ऐसा बोलता रहा, क्योंकि उसको नाम लेने में भी तकलीफ थी। सफल लोगों का नाम लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। वनवासी, ए मनुष्य, ऐसा बोलता था। तो लक्ष्मण ने बोला, आप हमें कुछ सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। तो रावण ने बोला, मेरा एक सवाल का जवाब दे पहले। लक्ष्मण ने पूछा, पूछिए महोदय। तो उसने बोला, पहला सवाल तो मेरा यह है, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं कुल में तुमसे अधिक हूं। मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं चार वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे ज्ञान का, और तुम दो वनवासी भाई। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना के लिया, मैंने काल को बांध रखा था, और तुम दो वनवासी नंगे पैर आ गए और मेरी धरती पर मुझको हरा के चले गए। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी धरती पर लड़ रहा हूं। अपने एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है, किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम सात समुद्र पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है, हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था, मैं आखिरकार हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, बोले, यही सिखाना चाहता, तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। बस, तुम चरित्रवान, मैं एक जगह से गिर गया जहां से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए